ओके देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने एक अप्रोच समझ लिया था कि SFM को इंस्टीट्यूट कैसे अप्रोच करता है, SFM को अपन कैसे फेज वाइज स्मार्टली अप्रोच करेंगे एंड इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, राइट एवरीबॉडी? यस सर। नाउ सो फर्स्ट सेशन आई होप क्लियर है अपने को सब लोगों को। तुम लोग ने अपनी एक्सपेक्टेशंस मुझे बता दी, मैंने आपको मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोग से बता दी। आई एम श्योर अपन दोनों उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। प्रिंस बोल रहा है सर ऐसे ही प्लानिंग ऑडिट के लिए भी बता दो। भाई फिलहाल SFM के ऊपर फोकस करते हैं अपन। चलो बाकी और कुछ भी है ना अगर तुम लोगों तो मुझे व्हाट्सएप कर दो ये नंबर के ऊपर। इन केस यू आर अ गूगल ड्राइव स्टूडेंट तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप लोग देखो जो लाइव वाले हो तुम लोग तो कनेक्टेड हो, फिर भी तुम लोग भी ऐसा करोगे तो अच्छा है। सेंड मी योर नेम, सेंड मी योर लोकेशन, ठीक है। सो से फॉर एग्जाम्पल ध्रुविन शुक्ला, सो ध्रुविन शुक्ला बोलेगा सर माई नेम इज ध्रुविन शुक्ला, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। एंड उसके नीचे या उसके ऊपर पहले लिख देना सर लेट्स एम फॉर मैक्सिमम इन SFM, ठीक है। बस इतना मेरे को आप लोग लिख के भेज देना सो दैट मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हो जाऊं। दैट्स द होल इंटेंशन। सो आप लोग का एक बार व्हाट्सएप आ गया, फिर बाद में जब फ्यूचर में डाउट और पूछना हो ना तो मुझे रिकॉलेक्ट हो जाएगा, अरे हाँ ये बंदे ने तो पहले डाउट पूछा हुआ है या ये बंदा मेरे से कनेक्टेड है। सो इट बिकम्स इजी, ठीक है। अब लाइव वाले एज आई सेड यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, बट फिर भी आप लोग भी अगर भेजते हो तो अच्छा ही रहेगा। आई विल ऑल्सो गेट कनेक्टेड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू ऑल एज वेल। सो नेम लोकेशन एंड लेट्स एम फॉर बेस्ट, लेट्स एम फॉर मैक्सिमम मार्क्स इन SFM, ये आप मेरे को साथ में लिख के भेजोगे। इफ यू आर अ गूगल ड्राइव स्टूडेंट तो कंपल्सरीली करना ही करना सो दैट डाउट्स एंड एवरीथिंग इज बीइंग सॉर्टेड ऑन अ रेगुलर एंड प्रॉपर बेसिस। एंड अगर आप लोग लाइव वाले हो तो भी कर दो, इट्स ऑलवेज गुड। यहाँ पे बाकी आप लोग और कुछ क्वेरी हो या टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब लिंक जो भी है वो आप लोग आज मेल पे भेज देंगे। सो यू कैन क्लिक दैट एंड यू विल गेट इट और यू विल ऑल्सो गेट अ व्हाट्सएप फॉर दैट। अब अपन फाइनली आ रहे हैं इस चीज के ऊपर जिसका मुझे था इंतजार। आ गई वो घड़ी आ गई के समझ रहे हैं आपने को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स विद फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। मेरे को सबसे पहला सवाल का जवाब दो। अब सुनो, अब फर्स्ट फेज में फर्स्ट हाफ में तो क्या था मेरे को ही ज्यादा बोलना था, आप लोग सुन रहे थे, हाँ हाँ कर रहे थे, कुछ लोग देखते देखते सुनते सुनते सो रहे थे, मुझे देख रहा है आप लोग के घर पे सब कुछ। बट अब आप लोग को जागने का टाइम आ गया बिकॉज नाउ यू ऑल्सो हैव टू आंसर मी, ठीक है। कुछ देर बाद आप लोग को मैं RBI गवर्नर के शूज में भी डालने वाला हूं और तब देखते हैं आप लोग कैसे जवाब दे पाते। सुनो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इज वॉट We are doing. Now, मेरे को एक बात बताओ, क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कनेक्टेड है क्या, कुछ रिलेशन है क्या वो लोग दोनों का, कि वो लोग दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है? जरा बताना तो मुझे, क्या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कनेक्टेड है क्या? क्या लगता है आपको पब्लिक? सर सब कनेक्टेड है, ये आप लोग सुनते होगे ना, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैज इन्वेस्टेड सो मच 1000 crores इन इंडिया, 50,000 crores इन इंडिया। सो बॉस ये सब जो FII वर्ड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब जो टर्म्स आप लोग देखते हो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये होते कौन है? ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से आए हुए लोग ही तो होते हैं। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, वेरी नाइसली सेड बाय अभिषेक, इंडिपेंडेंट येट इंटरकनेक्टेड। सो इंडिया का ऑब्वियसली खुद का मार्केट तो है ही, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद देम। इसी में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है अमरीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक कहावत है कि वेन USA स्नीजेस The whole world catches cold. जब अपन लोग छींक मारते हैं तो अपने को हो जाता है ना कोल्ड, तो वहां पे USA ने अगर छींक मारी ना पूरी दुनिया को कोल्ड हो जाएगा, उतना फाइनेंशियल पावर है भाई। GDP में वर्ल्ड का सबसे टॉप रहने वाला कंट्री है, तो सीधी सी बात है बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है। प्लस ऑब्वियसली आज की तारीख में तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है,
इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट थिंग्स हैव टू बी इंटरकनेक्टेड. सो अपन जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर भी है फॉरेक्स, वहां पे तो सारा चीज अपने को आउट ऑफ इंडिया के करेंसीज और उसी चीज से रिलेटेड पढ़ना है. सो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का बहुत हाई कनेक्शन है विद द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड उसी में क्या एक सिस्टम सेट हुआ हुआ है, क्या एक प्रोसेस सेट हुआ हुआ है, वो आज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं. बट उसके पहले मैं दो इकोनॉमीज का डिस्कशन करना चाहूंगा, दो इकोनॉमीज जो बहुत फेमस है अपने फाइनेंशियल प्लान्स मिसबैलेंस के लिए. अब मैं आप लोग के सामने ओपन करता हूं ये चीज. क्या आप लोग ने जापान का नाम सुना है? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप लोग ने जापान का नाम सुना है? यस सर. जापान टू द होल वर्ल्ड इज नोन फॉर इनोवेशन. मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वो तो पूरा सब्जेक्ट ही बना है इन जापानीज लोगों की वजह से. इतना जापानीज ने इनोवेशन किया है, इतना कॉस्ट मैनेजमेंट और वो सब किया है. वहां पे सबसे पहले जब हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया है फाइनेंशियली, इतना टॉप लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आया है, क्या ही कहना उनका. मतलब आप सोचो ना, बुलेट ट्रेन जो इंडिया भाई 2025 तक भी इंडिया में जो बुलेट ट्रेन नहीं आई है, 1960s में से जापान में बुलेट ट्रेन चल रहा है. जस्ट इमेजिन. सो द लेवल ऑफ इनोवेशन, द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वो सब चीजें जो उन्होंने की है वो नेक्स्ट लेवल की है, कोई डाउट नहीं है. बट क्या फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सिस्टम उनका सही था क्या? आओ देखते हैं कुछ देर में. एक चीज चलो मैं आप लोगों को बताता हूं. क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज की तारीख में जापान का GDP कितना है? चलो मैं आप लोगों को बताता हूं. 2023 में, ठीक है, 2023 एंड तक मैं अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बोलता हूं, जापान का GDP इज 2023-4 का मैं ले लेता हूं. जापान का GDP इज हाउ मच, एनी आइडिया? वेल, इट इज $5 trillion अप्रोक्सीमेटली. हाँ, अभी तुम लोग गूगल पे जाके देखोगे तो आपको 4.94 दिखेगा, तो आप बोलोगे अरे सर आपने इतना ज्यादा क्यों बोला है ना. तो अप्रोक्सीमेटली $5 trillion है आज की तारीख में जापान का GDP. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोग को आंसर देना है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज से 25 साल पहले, से इन द ईयर 1996, चलो मैं ये एग्जैक्ट डेटा आप लोग के साथ शेयर करता हूं, तो इन द ईयर 2021 जापान का GDP वॉज $5 trillion अप्रोक्स. क्या कोई मुझे बता सकता है कि 1996 में जापान का GDP कितना होगा? अगर आज 2021 में $5 trillion है, तो 25 साल पहले, 25 years back, आपको क्या लगता है कितना होगा जापान का GDP वैल्यू? कम ऑन एवरीबॉडी, नो लुकिंग एट द गूगल एंड आंसरिंग. एग्जैक्ट नंबर शेयर करता हूं आप लोगों के साथ. दिस वाज $4.94 trillion. This was $4.94 trillion. And let me tell you, the GDP in the year 1996 of Japan was almost the same. $4.94 trillion. Oh gosh, kya baat kar rahe ho sir? Ji, haan. मतलब 25 साल में तो लोगों का जो GDP वैल्यू है वो डबल ट्रिपल हो जाता है इंडिया का हुआ है. इंडिया का 1996 का GDP देखना और इंडिया का 2021 का GDP देखो, डबल से भी ज्यादा अपना ग्रोथ हुआ है. मतलब ये टोटल 25 साल में, तो यहां पे क्या हो गया भाई, क्यों $5 trillion से आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये? एंड द ओनली रीजन इज बिग mistake in financial policy making in the year, in the late 1980s. जी हाँ, क्या आप समझना चाहोगे, ये जो स्टेज है ना, इसको कहते हैं स्टैग्नेशन.
लिटरली स्टैग्नेशन आ गया है जापानीज जीडीपी में. अब फाइनली वो लोग उस चीज से बाहर निकल के ग्रो कर रहे हैं, बट 25 साल तक ऐसी कंट्री जो इनोवेटिवली इतनी हाई है. एंड सोचो ना, जापान का एरिया कितना पता है? राजस्थान जितना. टोटल जापान इज इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान जितना है, बट इतना बड़ा इकोनॉमी बन गया 1996 में ही. बट आज 25 साल हो गए तो भी उधर का उधर ही है. एफा क्यों? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के पास जवाब है क्यों एफा? व्हाट कुड बी द रीजन दैट इकोनॉमी इज स्टिल वेयर इट वॉज इवन आफ्टर 25 years? तो ऐसा तो है नहीं कि 25 साल में जापान ने इनोवेशन नहीं किया है, बहुत सारे किए. ऐसा तो है नहीं कि जापान ने इंडस्ट्रीज नहीं पुट अप की, बहुत सारी की है. सो ये सब करने के बाद भी क्यों ऐसा हुआ? जैसा मैंने आपको बोला, इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग. जी हाँ, अगर ये प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की होती उन्होंने, तो आज ये दिन ना देखना होता, ना देखना पड़ता उन लोगों को. सो आइए इन इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना, बात कुछ उन दिनों की है. एज आई सेड, लेट 80s की बात समझ लेते हैं अपन लोग. लेट 1980s की बात है. जापान क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. देखो एक चीज याद रखना, अगर आपको अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है, अगर आपको आपका फैक्ट्री सेटअप करना है, तो फैक्ट्री में कहना है इसे पावर बहुत ज्यादा यूज होगा. इंडस्ट्री है अगर कोई बहुत बड़ा, तो पावर बहुत ज्यादा यूज होगा. पावर का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और वो सब हो गया. तो वो यूज करने के लिए आपको चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑयल को ही आपको यूज करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट के लिए. सो लेट 80s में जापान जो था ना, वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था. एंड जापान ह्यूज लेवल पे टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों को एक्सपोर्ट करता था, बहुत बहुत एक्सपोर्ट करता था. टेक्नोलॉजी हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे टेलीविजन है, फिलिप्स, सोनी, ये सब वापस से ही वो एक्सपोर्ट करता था. अब हुआ क्या कि ये जो क्रूड ऑयल है इसका रेट बढ़ गया. ये जो क्रूड ऑयल का रेट था, ये हो गया $8 से $5 से इंक्रीज होकर ये हो गया $15. तो कहना इसे ये जो क्रूड ऑयल अपन लोग ने इंपोर्ट किया, जापान की नजर से देखना, अपन लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये क्रूड ऑयल का कॉस्ट बढ़ गया. अब मेरे को एक बताओ, बात बताओ कि अगर ये क्रूड ऑयल का इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो क्या उससे मेरे डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? पब्लिक, जनता, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए कि अगर मैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा हूं और ये क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मेरा जो पावर कंजम्पशन है वो यूज होता है, मतलब मेरी सारी चीजें क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है, और मेरे को अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री को अगर ग्रो करना है तो वो क्रूड ऑयल के बिना नहीं हो सकता है. तो आप मेरे को बताओ कि अगर क्रूड ऑयल का भाव ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, तो क्या उससे मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा? अगर हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा? कि बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मुझे आप लोग के साथ जवाब चाहिए. एवरीबॉडी हैज टू आंसर. मुझे भरत का आंसर आया, यस कॉस्ट विल राइज. महादेव, कॉस्ट विल इंक्रीज. एवरीबॉडी हैज टू टेल. कान्या ढिंगरा, यस कॉस्ट विल इंक्रीज. मानसी, यस इंक्रीज इन कॉस्ट, अपना कॉस्ट भी बढ़ेगा. आयुषी, मुस्कान, एवरीबॉडी सेइंग द सेम थिंग. तौशिफ, मीर, कोमल, प्रथमेश, रूपल, दीपांशु, प्रेरणा, निराली, जसलीन, आयुषी, ईशा, आरती. अब मैं भाई बस अब मैं रीड करते रहूंगा, नाम तो रीड ही करते रहूंगा. सब लोगों का एक ही जवाब आया है कि सर, अगर यहां पे ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, देन इन दैट केस सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो कैन आई से आपका जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल, जापान अमरीका को एक्सपोर्ट कर रहा है. जापान अमरीके को, अरे अमरीके, ये कोई यहां से मैंने देखा था कोई लुधियाना सा भी है, तो तुम लोग अमेरिका को क्या बोलते हो? अमरीका. और पंजाबी में तो नाम भी होता है अमरीक, अरे अमरीके, तो क्या समझ देगा? सॉरी, बैठ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ. सो जापान एक्सपोर्ट,
सॉरी सॉरी सॉरी, कनाडा कनाडा अमरीके, तो अमरीके किसी का नाम है या अमरीके कंट्री का नाम है, ये पंजाबी लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, उनके लिए दोनों अमरीके ही है। चलो सर बहुत अच्छा पीजे माला, अब इधर आ जाओ इसके पहले कि हम आपको मारे। ओके, सो जापान करता है एक्सपोर्ट यूएसए को। अब जापान से फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा था, तो बात कुछ ऐसी हो गई कि जब जापान एक्सपोर्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट को, तो पहले वो एक्सपोर्ट करता था डॉलर 10 पर यूनिट में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, डॉलर 10 पर यूनिट में जापान एक्सपोर्ट करता था। अब हुआ क्या, 1980s में क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, तो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ने की वजह से आपने बोला कि सर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टेक्नोलॉजी बढ़ाने का, वो कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? सीधी सी बात है, बढ़ेगा। सो से फॉर एग्जाम्पल ये हो गया डॉलर 20 पर यूनिट, ये हो गया डॉलर 20 पर यूनिट। अभी क्लियर टू क्लियर? यस सर। अब यूएसए के लिए तो कहना है ये कॉस्ट है भाई, आपने तो बोल दिया डॉलर 10 की जगह पे डॉलर 20 पर यूनिट, पर यूएसए तो बोलेगा भाई मैं जिस चीज का पहले तेरे को डॉलर 10 देता था, अब उस चीज का तू डॉलर 20 मांग रहा है, तो इतना ज्यादा मैं तू मेरे से मांगेगा तो मैं तेरे को नहीं दूंगा पैसा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तेरे पास से इंपोर्ट नहीं करूंगा। तो जापान का इसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आने लगा। तो उनके जो फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स है, उन्होंने सोचा कि यार ये तो गलत बात है भाई, मेरे वजह से मेरे पॉलिसीज, मतलब ये क्रूड ऑयल के कॉस्ट इंक्रीज की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अब हमारा एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रहा है, बट उसकी वजह से मेरा जो अमेरिका है जो मेरे से इतना इंपोर्ट करता था वो अभी लेने को ही रेडी नहीं है, बोलता है इतना डबल प्राइस कौन देगा, नहीं चाहिए तेरे पास से, तो ये तो इश्यू है। तो अब फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे उनका ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो उन्होंने क्या किया पता है आपको, ध्यान से सुनना। अब वहां पे से फॉर एग्जांपल आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको कहना है से लोन लेना पड़ेगा। जब आप लोन लोगे तो आप बैंक को क्या दोगे, कहना है से बैंक को आप इंटरेस्ट दोगे, तो आपने बैंक को यहां पे से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट देना चालू किया। अब कहना है से ये बैंक इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो, कहना है से इससे भी आपका कॉस्ट बढ़ता है? आप बोलोगे यस सर, बैंक इंटरेस्ट या जो भी कॉस्ट है वो सब कॉस्ट है, मेरा ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ने ही वाला है। तो गवर्नमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा करते हैं, वो टाइम पे उनका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था, वो टाइम पे जो उनका इंटरेस्ट रेट चल रहा था दैट वॉज 5%, दैट वॉज एग्जाम्पल ले रहे हो, दैट वॉज 5%। उन्होंने बोला क्यों ना इस इंटरेस्ट रेट को हम रिड्यूस कर देते हैं, और उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया 2-1%, 2-1%। अब आप मेरे को बताओ कि अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो कहना इससे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा? चलो आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर आप गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट हो, घर पे बैठे हो, जहां भी यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हो, आप लोग भी या तो कमेंट कर सकते हो या आप लोग भी अपने दिमाग में सोच के रखो, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप कनेक्ट करना कि वेदर इट मैच्ड योर थॉट और नॉट। कौन है एवरीबॉडी, क्या लग रहा है क्या होगा? आप गवर्नमेंट हो, आप लोग के पास से इंडस्ट्री और फैक्ट्री वालों ने बहुत लोन लिया है, उनको पहले 5% देना पड़ता था इंटरेस्ट। अब आपने सोचा कि यार इनको इंटरेस्ट का बर्डन कम कर दे, आपने इंटरेस्ट कर दिया 1% कम कर दिया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये आप लोगों को मेरे को अभी का अभी बताना है। करेक्ट सेफ, लक्ष्मी, कान्या, एवरीबॉडी इज गिविंग द सेम आंसर एंड एवरीबॉडी, कोमल, पुष्पश्री, कृत्य, क्रिया सॉरी, पिंकल, समीक्षा, एवरीबॉडी इज गिविंग द सेम आंसर एंड दैट इज सर ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया सर? इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया सीधा 5% से 1%, तो सर जिसने भी लोन लिया है
अगर 100 करोड़ का लोन लिया है तो पहले वो 5 करोड़ का इंटरेस्ट देता था, अब उसको खाली 1 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर उसका 4 करोड़ रुपया बच गया, ओवरऑल उसका कॉस्ट 4 करोड़ से कम हो जाएगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, कम एक्सपोर्ट प्राइस देके वो यूएसए के साथ डीलिंग करना वापस से चालू कर देगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? द आंसर इज यस, राइट है मानसी, राइट है। डिक्रीज होगा, मेरा ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होगा, लेट्स नॉट यूज द वर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट मेरा ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होगा, ये बात तय है, क्योंकि पहले मुझे अगर 100 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी 1 ही करोड़ का देना पड़ेगा, तो 4 करोड़ मेरा जो बच रहा है उतना मैं मेरे जो कॉस्ट सेविंग्स हुआ है उतना मैं मेरा ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं ऑफ माई प्रोडक्ट। अब पब्लिक है ना, गिलिंडर मतलब पब्लिक बहुत होशियार है, दिमाग लगाता है थोड़ा ज्यादा ही। जैसे ही जापान की गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट रेट को, ध्यान से सुनना भाई ये ट्रू स्टोरी है, इंटरेस्ट रेट को कम किया फ्रॉम 5% to 1%, आपको पता है क्या हुआ? पब्लिक ने लोन लेना चालू कर दिया। आप बोलोगे हाँ सर बराबर है ना, लोन लेंगे वो लोग ताकि और प्रोडक्शन कम में कर सके और कर सके। ठीक है असलम, क्रूड ऑयल का रेट कम नहीं हुआ है, ये तो अपना जो दूसरा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा ना भाई। देख तेरा टोटल 10 कॉस्ट है, ठीक है असलम, देख तेरा टोटल 10 कॉस्ट है, क्रूड ऑयल का कॉस्ट, इंटरेस्ट का कॉस्ट, एक्स वाई जेड कॉस्ट। अब इसमें तेरा क्रूड ऑयल का कॉस्ट कम बढ़ गया, ठीक है, बट तेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट तो कम हो गया ना, तो एटलीस्ट तू थोड़े लेवल पे आ गया, समझा? ऐसा हुआ है तो ओवरऑल तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ा था क्रूड ऑयल इंक्रीज की वजह से, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से अब जो तेरा खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट के ऊपर वो कम हो गया, तो वो तेरा लेवल पे आ गया, समझा क्या भाई असलम? समझा? चलो डन। अब पब्लिक दिमाग लगाया, पब्लिक बोला भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, गवर्नमेंट ने 1% इसलिए किया ताकि पब्लिक लोन ले और कम रेट पे लोन ले ताकि उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाए। अब पब्लिक ने लोन लेना चालू किया और ये लोन लेके क्या किया पता है? पब्लिक ने चालू कर दिया इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, पब्लिक ने इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट को तब तक इतना समझा नहीं कि पब्लिक ऐसा कुछ करने वाला है। अब हुआ क्या, सब लोग ने से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया रियल एस्टेट में। देखो अगर आप लोग ने, देखो आप लोग ने तो आज तक रियल एस्टेट लिया नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू, जब आदमी खरीदता है ना रियल एस्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब, तो वो यूजुअली मेजॉरिटी उसका लोन पे ही लेता है। जैसे मैंने भी जब रियल एस्टेट खरीदा था, फ्रेंकली बोलता हूं तुम लोग को, तो मैंने भी लोन पे लिया था, बिकॉज आपको क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, लोन का बैंक होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है, तो उस हिसाब से काफी मैनेजेबल रहता है, अच्छा रहता है। तो आपको कम होम लोन, कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल गया, प्लस अभी आप वो पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन अर्न मोर। तो बात कुछ ऐसी हो गई कि जितना ये लोन जैसे उन्होंने कम किया, पब्लिक ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं टोक्यो का, जापान, लव इन टोक्यो। सो टोक्यो जापान का कैपिटल है एंड टोक्यो का रियल एस्टेट बहुत फेमस है। सो अब हुआ क्या, 100 रुपए का जो रियल एस्टेट था टोक्यो का, पब्लिक लोन लेने लगा, लोन लेके इन्वेस्ट करने लगा, कहां पे? रियल एस्टेट में। तो उसकी वजह से लैंड लेने लगा, बिल्डिंग लेने लगा, इसकी वजह से आप मुझे बताओ ये जो टोक्यो का रियल एस्टेट है उसका क्या इंपैक्ट होगा, बढ़ेगा या कम होगा? आपको मुझे सोच समझ के बताना है। एवरीबॉडी टेल मी, टोक्यो का रियल एस्टेट का प्राइस था 100 रुपया पर स्क्वायर फीट, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे को आप लोग का समझ है, कॉमन सेंस समझ है, इसमें कोई आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। 100 रुपए का स्क्वायर फीट है, पब्लिक अभी भर दोल में लोन लिया, चलो इन्वेस्ट करो, लोन लिया चलो रियल एस्टेट में डालो, लोन लिया लैंड बिल्डिंग खरीदो, टोक्यो में खरीदो, टोक्यो में खरीदो। यस भाई, डिमांड बढ़ते गया टोक्यो में, डिमांड बढ़ते गया, और कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने लगा। यार सब लोग ने करेक्ट आंसर दिया है अब तक, इन लोगों को मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब लोग का सब सही आंसर दे रहे हैं। यार मुझे लग रहा है ये लोग इधर SFM मुझे पढ़ाने को आए यार, सब ये लोग को बोला कि भाई यहाँ पे
क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उसका ये लोग ने सही इम्पैक्ट दे दिया। फिर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या कॉस्ट होगा, ये लोग ने सही आंसर दे दिया। अभी ये लोग को पूछा कि यार अगर पब्लिक और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू करेगा तो रियल एस्टेट का प्राइसेस क्या होगा, पब्लिक ने सही आंसर दे दिया। यार ये लोग क्या सही स्मार्ट लोग मिले यार मेरे को, तुम लोग ऐसे में आता है क्या, तुम लोग मेरे को टेस्ट करने आएगा ना, 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 ना सच्ची बोले। बट वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग, बहुत सही कर रहे हो। सैफ बोल रहे ऐसा स्काई रॉकेट हो जाएगा, यार ऐसा ही हुआ। अब हुआ क्या ये देखो, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल संकल्प है, संकल्प, संकल्प का नाम जापान में क्या होगा, सांचू, सांचू, सांचू से सांचू पांचू, सांचू टोयाशी मोयाटू, ओ ऐसा। चल तो संकल्प का नाम अपन एस के रखते हैं जापानीज में, एश के, एश के, हिंदी चाइनीज जापानी। चल सो सेतु के, ओके सेतु के, संकल्प का नाम है सेतु के। 5S पढ़कर आए हो, अरिगो जाई मास्ता। अबे ओ ऐसे मैं भूल जाऊंगा, मैं ऐसा सब नाम दोगे तो। चलो सो संकल्प में क्या किया, वहां का संकल्प सेतु के अरिगो साई जाई मास्ता, उसने क्या किया, मैंने से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते गया, कहना इसे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ते गया, और यूजुअली पब्लिक जैसे इसका वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है देखो, कहना इसे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, कहना इसे इसका वैल्यू 20 लाख हो गया। अभी तुम लोग ने बोला कि सर जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ते जाएगा, तुम लोग ने बोला जिस दिन प्राइस ये, जिस दिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हुआ था ना 5% से, उसी दिन मैंने लोन लेकर इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए का, सॉरी उसी दिन मैंने ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया रियल एस्टेट में। अब वो बढ़कर 6 महीने के अंदर 20 लाख का हो गया, और मुझे लग रहा है यार 6 महीने के लिए पैसा डबल, ये तो अनुराधा से भी अच्छा स्कीम है, 6 महीने के अंदर पैसा डबल, 1 साल भी रुकने का जरूरत नहीं है। सो 6 मंथ्स में अगर मेरा पैसा डबल हो रहा है तो अब मैं क्या करूंगा, कहना इसे आई विल बी फोर्स या ललचा जाऊंगा मैं टू परचेज मोर एसेट। अब मैंने क्या किया, ये 20 लाख का वैल्यू के ऊपर और लोन लिया, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, और उसको मॉर्गेज पे डाल दिया। अब और इन्वेस्टमेंट आ गया, 6 महीने में इसका वैल्यू हो गया 40 लाख, 6 महीने में इसका वैल्यू हो गया 40 लाख। तो अब 10 लाख वैल्यू हो गया 20 लाख, ये वैल्यू के ऊपर और मैंने लोन लिया, वैल्यू हो गया 40 लाख। बट कहना इससे ये सब जब हो रहा था, ये सब जब हो रहा था तो गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही थी। अब ये एकदम अचानक से नहीं हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स होता है ये सब। सो नाइनटीन लेट नाइन लेट एटीज में, 1990s बिगनिंग में जापान ये चीज ऑब्जर्व करने लगी। जापान बोली कि अच्छा रियल एस्टेट वैल्यू इतना कैसे बढ़ गया, तब उनको पता चला उनके पॉलिसी मेकर्स को कि पब्लिक ने लोन लिया है, लोन किसके लिए लिया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट लोन गवर्नमेंट ने वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो किसके लिए कम किया था, कहना इसे बिजनेस के लिए कम किया था, बट पब्लिक ने तो उसको मिसयूज करके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। सब जगह वो पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अब हुआ क्या, गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हो गई कि पब्लिक इसका मिसयूज कर रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो 1% का रेट है ना, ये 1% का रेट होम लोन के ऊपर नहीं रहेगा, होम लोन रेट विल बी इंक्रीज टू 5%। ओ बॉय, अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये सारा का सारा, मैंने ये जो लोन लिया है इसके ऊपर मैं अब तक तो 1% इंटरेस्ट दे रहा था, अब मेरे को इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सीधा 5 टाइम्स मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। इतना सारा तो मेरे पास इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे डिफॉल्ट करना चालू कर दूंगा, मैं यहां पे डिफॉल्ट करना चालू कर दूंगा। और ऐसे करते करते जापान का हर एक आदमी डिफॉल्ट करने लगा। ये डिफॉल्ट का इंपैक्ट क्या आया कि गवर्नमेंट वॉज ऑलमोस्ट डेड, गवर्नमेंट की हालत खराब हो गई, उनका जो पूरा रियल एस्टेट मार्केट था वो पूरा का पूरा क्रैश हो गया भाई। जो चीज 10 लाख से 20 लाख पे आई, 20 लाख से 40 लाख पे आई,
फिर बाद में जिस दिन 5% हुआ पब्लिक डिफॉल्ट करने लगा, डिफॉल्ट करने लगा तो रियल एस्टेट मॉर्गेज जो भी था वो बैंक ने अपने पास ले लिया, बट इतना ओवर सप्लाई हो गया, कोई भी चीज का ओवर सप्लाई होता है तो उसके प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है, जैसे यहां पे डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ने लगा, अब ओवर सप्लाई होने लगा क्योंकि पब्लिक डिफॉल्ट करने लगा, जो डिफॉल्ट कर रहा है गवर्नमेंट उसका प्रॉपर्टी अब खुद अपने पास रख रहा है, पब्लिक सेल करने लगा तो सेल करने लगा तो ओवर सप्लाई हो गया, ओवर सप्लाई होता है तो उसका इंपैक्ट क्या आता है, करेक्ट, द मार्केट स्टार्टेड, द रियल एस्टेट मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग, एंड कितना 40 लाख से 20 से 10, पब्लिक बोला भाई मैं 5 लाख में भी बेचने को रेडी हूं, मेरे को इस चीज से बाहर निकाल, मेरे पास इंटरेस्ट पे करने का पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा सोचो, और उसका रियल एस्टेट का इंपैक्ट इतना ज्यादा ये था दैट दे ऑलमोस्ट फेस्ड स्टैग्नेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years. जी हाँ, उधर का उधर ही स्टक रह गया क्योंकि उनका रियल एस्टेट इतना गिर गया, जो नॉर्मल वैल्यू था उससे 50% गिर गया, अब उस लेवल पे आए, फाइनेंशियल पॉलिसीज को मैनेज होते होते इट ऑलमोस्ट टुक देम 25 long years. इवन दो जापान वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, वर्ल्ड्स मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आर देयर, सब अच्छा है, बट एक फाइनेंशियल पॉलिसी की गलती और 25 साल आप ऑलमोस्ट पीछे हो गए अपने ओवरऑल ग्रोथ लेवल पे, समझ रहे, इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का और उससे सीखना बहुत जरूरी है। जापान ने अगर तभी मुझे बुलाया होता लेट 80s में, और अगर मैंने इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी को सही तरीके से समझ के प्लान किया होता, देन इन दैट केस आज जापान को शायद ये दिन देखना ना पड़ता, 25 साल उनके सुधर जाते और शायद अमेरिका से भी ऊपर आ जाता वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट नहीं बुलाया उन्होंने, मत बुलाओ मेरे को क्या है? सर पैदा भी हुए थे क्या वो टाइम तक? अभी बुला लो यार, अभी तुम्हारा काम ठीक कर देंगे, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट कि फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लानिंग कितना बराबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप वो नहीं करते हो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इन द लॉन्ग टर्म। हाँ एग्जैक्टली प्रथमेश, चलो समझ में आया, ये मेरे को खाली मेनली आपको बताना था कैसे ये जापान का एसेट, दिस इज कॉल्ड एज जापान एसेट बबल, इज कॉल्ड एज जापान एसेट बबल, तो वैसा है। चलो एनीवेज, और एक आप लोगों के साथ मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल है ना बहुत क्लियर है, मेरे को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है ना तो मैं कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं पहले पढ़ाता हूं उसका एग्जांपल, वो एग्जांपल समझने के बाद मैं आपको पूछूंगा एक कॉन्सेप्ट समझा क्या, आपको खुद तभी का तभी कॉन्सेप्ट डेरिवेशन समझ जाएगा, और फिर अपन लोग इसके बेसिस पे करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व, समझ आए, ये सिस्टम अपन लोग रखने वाले, तो ये एक एग्जांपल आप लोगों को दिया, कैसा लगा, समझ में आया, और एक एग्जांपल दू फिर मैं मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊंगा इफ यू डोंट माइंड। हाँ भाई ऑल क्लियर, समझे, जापानीज असेट बबल, ठीक है। चलो अब दूसरे एक एग्जांपल के ऊपर मैं लेके चलता हूं तुम्हारे को, जापानीज एसेट बबल तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल एक ऐसी कंट्री का जिस लोग का नाम आप लोग ने सुना हुआ है बट आप लोग का थॉट प्रोसेस इस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्या लगता है आपको, जिम्बाब्वे कैसी कंट्री है, पुअर कंट्री और डेवलप्ड कंट्री? यस करेक्ट जसलीन, 2008 में भी एक रिसेशन आया था कॉल्ड एज सबप्राइम मॉर्गेज, अभी आज तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा बट आने वाले टाइम में शायद फॉरेक्स में मुझे टाइम मिला या कुछ तो आई विल डेफिनेटली वांट टू डिस्कस सबप्राइम मॉर्गेज ऑल्सो विच इज सिमिलर टू दिस जापानीज एसेट बबल। चलो अभी अपने को सबको क्या लगता है बताए, जिम्बाब्वे पुअर है, अंडर डेवलप्ड है, हुक्का, पर अब ये देखो इशू क्या हुआ, यस सब लोग ने जापानीज जिम्बाब्वे के इन्फ्लेशन के बारे में सुना है बट सी वेर इट ऑल बिगन, ठीक है अब सुनो, जिम्बाब्वे यू विल नॉट बिलीव
इन द ईयर 1985 जिम्बाब्वे करेंसी वॉज बेटर देन यूएसए करेंसी वॉज बेटर. जी हां, जिम्बाब्वे का करेंसी वॉज हायर देन यूएस डॉलर. सोचो 1985 में क्या लेवल पे होगा जिम्बाब्वे. सो यहां पे वन जिम्बाब्वे वॉज ग्रेटर देन वन यूएस डॉलर विच इज अ बिग थिंग. फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली दिस कंट्री फेस्ड अ लॉट ऑफ आई थिंक फैमाइन और ये सब बहुत आ गया उधर, एंड उसकी वजह से ये लोग का हेल्थ इश्यूज आने लगा और ये लोग का पुअर, या इनफैक्ट मैं बोलूंगा डिजीज बहुत सारे हो गए. ठीक है, सो मॉनसून वॉज नॉट प्रॉपर, बहुत सारा फैमाइन आ गया और यू कैन से अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज थे वो इतने अच्छी तरीके से वो लोग को नहीं मिल पा रहे थे. अब इसकी वजह से हुआ क्या, ध्यान से समझना. इन लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे, बहुत सारे डिजीजेस होने लगे और ये लोग का थोड़ा सा फाइनेंशियली ये लोग थोड़े डाउन हो गए. अब फाइनेंशियली डाउन हो गए तो ये लोग ने क्या किया, यूएसए को फोन किया और बोला कि सुन हम लोग को थोड़ा फंडिंग चाहिए, देगा क्या. यूएसए ने बोला हाँ थोड़ा क्या, बहुत फंडिंग दूंगा. तो यूएसए ने फंडिंग किया जिम्बाब्वे को. क्यों फंडिंग किया, क्योंकि देवर फेसिंग हेल्थ इश्यूज, डिजीजेस हो गया था, वो लोग का जो फार्मिंग है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा था जिम्बाब्वे का वो टाइम पे. सो ऐसा सब इश्यूज हो गया. अब जिम्बाब्वे के पास थोड़ा पैसा का कमी हो गया, बिकॉज ऑल ऑफ देयर रिसोर्सेज वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्थ डिजीजेस, ऑल ऑफ दैट उसको रिकवर करना था सब उनके जो कंट्री के लोग थे उनका. तो अब यूएसए से उन्होंने क्या लिया, थोड़ा फंडिंग लिया, लोन लिया. ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये लोन लिया है तो एक तो आपको लोन को रीपे करना पड़ेगा, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी रीपे करना पड़ेगा, बराबर है. अब ये लोन और इंटरेस्ट रीपे करने के लिए जिम्बाब्वे ने क्या गलती की आपको पता है, क्या बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक की, जिम्बाब्वे स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट्स, स्टार्टेड प्रिंटिंग नोट्स, बट कैसा नोट्स, अनलिमिटेड नोट्स, स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट्स. जी हां, मतलब भाई साहब जिम्बाब्वे में इतना ज्यादा वो लोग ने नोट्स प्रिंटिंग चालू कर दिया और सब जो भी नोट्स प्रिंट होता था वो उन्होंने लोगों को बांटना चालू कर दिया. एट द सेम टाइम वही जो नोट्स वो लोग ने प्रिंट किया उससे वो लोन भी रीपे करना चाहते थे, इंटरेस्ट भी रीपे करना चाहते थे. तो जिम्बाब्वे को लगा यार ये तो बेस्ट है, लोगों के पास पैसा आना चालू किया क्योंकि वो लोग ने अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करना चालू कर दिया, तो लोगों के पास पैसा आना चालू हुआ, लोग हो गए खुश, लोग खुश हो गए, लोग लगा अरे वाह क्या बात है, हमारा गवर्नमेंट बेस्ट है, कितना सारा पैसा दे रही है, कितना सारा फ्री का पैसा दे रही है. बट भूल गए कि ये जो फ्री का पैसा आ रहा है ये सबके पास आ रहा है, और अगर सबके पास आ गया तो ओवरऑल वैल्यू जो है ना आपके करेंसी का वो डिक्लाइन होते जाएगा, वो डिक्लाइन होते जाएगा. समझ रहे हो तुम लोग लॉजिक भाई. अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आज की तारीख में सीए का वैल्यू क्यों है, क्योंकि खाली 100 में से 10 लोग उसको क्लियर कर पाते हैं. बीकॉम का वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि 100 में से 100 लोग उसको क्लियर कर पाते हैं. तो जो चीज सबको मिल जाए उस चीज का वैल्यू होता है क्या, बीकॉम सबको मिल गई कोई वैल्यू नहीं है. बट अगर आपकी वैल्यू, अगर आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है, देन इन दैट केस सीए कम लोग पास होंगे. बट आज की तारीख में अपने इस प्रोफेशन का एक रिस्पेक्ट है. क्यों, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते. समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे हो. तो वैसे ही कुछ यहाँ पे, अब जिम्बाब्वे स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट, सबके पास पैसा, सबको पैसा देने लगे. अब जब सबके पास पैसा आता है तो उस करेंसी का लॉजिकली उस चीज का वैल्यू कम हो जाएगा. सही बात है, उस चीज का वैल्यू कम हो जाएगा. अब इसकी वजह से हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों के पास तो बहुत पैसा है. जब लोगों के पास बहुत पैसा है तो वो खर्चा करने के लिए रेडी हो गए. जब आप खर्चा करने के लिए रेडी हो तो सीधी सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगा. से फॉर एग्जांपल, मैं पेन बेचता हूं 10 जिम्बाब्वे डॉलर में.
अब लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेन का भाव बढ़ा दूंगा और बोलूंगा चलो भाई 15 जिम्बाब्वे डॉलर दो। अब ये क्या हो गया, बेसिकली कहने से कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है तो इट इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, करेक्ट। ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ते गया ये इनके अनलिमिटेड नोट्स छापने की वजह से, ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ते गया सच दैट इट रीच टू 1200% इन द ईयर, आई थिंक आई एम नॉट श्योर विद द ईयर, इन द ईयर 2000 एंड समथिंग में उनका इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 1200% बढ़ गया, और इतना वो लोग आगे बढ़ते गए कि उनको फिर फाइनली $1 बिलियन का नोट छापना पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया $1 बिलियन देने पे आपको एक ब्रेड का पीस मिलता है, तो उनकी कंट्री ने, उनकी रिजर्व बैंक ने $1 ट्रिलियन का भी नोट प्रिंट किया है। जी हाँ, वाई, बिकॉज गिविंग अनलिमिटेड मनी टू द पीपल रेज द कॉस्ट लीडिंग टू इन्फ्लेशन, और ये इतना ज्यादा अनलिमिटेड हो गया दैट इन्फ्लेशन रोज टू 1200%। किसी कंट्री का इन्फ्लेशन 5-6% भी हो ना तो उसके फाइनेंस मिनिस्टर की नींद उड़ जाए, मतलब डबल डिजिट, मतलब मैं बोलूं 9% तो बहुत ज्यादा हो गया, डबल डिजिट अगर किसी का, किसी कंट्री का इन्फ्लेशन हो ना, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन, देन इन दैट केस दैट कंट्री विल सी अ फाइनेंशियल डिजास्टर। डबल डिजिट छोड़ो, यहां पे तो 1200% और उसके भी ऊपर जाके आया इनका इन्फ्लेशन। $1 बिलियन का नोट बनाया, जिम्बाब्वे डॉलर का नोट बनाया भाई जिम्बाब्वे की कंट्री ने, $1 ट्रिलियन का नोट बनाया फिर जिम्बाब्वे डॉलर की करेंसी में, एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि वन ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का भी नोट का कोई वैल्यू नहीं था, और उन्होंने अपना करेंसी ही डिसकंटिन्यू कर दिया और बोला वी विल कीप US डॉलर एज आर बेस करेंसी। यस, हाइपर इन्फ्लेशन रेज टू एन, वेनेजुएला ने भी यही सेम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया था। वाई, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, अनलिमिटेड प्रिंटिंग किया, और भी बहुत सारे इन्होंने गूफ अप्स किए अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज में, और आपने देखा उसका हल क्या हो गया, खुद की करेंसी बंद करके दूसरी करेंसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ा, विच वॉज यूएस डॉलर। यू आर दैट राइट? जी हां, ये हुआ है इस कंट्री के साथ। और फिर उन्होंने यूएस डॉलर को बोला भाई हम तुम्हारा बेस लेंगे। आप लोग ने सोचा है कभी कि हर कंट्री यूएस डॉलर को ही क्यों बेस बनाती है? सोचा है तुमने? ये तुमने क्या कभी सोचा है? इंडिया का भी देखो, अपन लोग भी कभी बोलते हैं डॉलर के टर्म्स में इंडिया का क्या रेट है, 90 पड़ रहा है क्या, 85 पड़ रहा है क्या, कोई भी कंट्री डॉलर के टर्म्स में अपना, यूएस डॉलर के टर्म्स में अपना रेट सेट करती है। एफएक्यू पढ़ेंगे जब फॉरेक्स करेंगे, तब मैं आपको ये भी एक ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ यूज टू करवाऊंगा। एंड देन इट वॉज अ डिजास्टर फॉर जिम्बाब्वे, फिर अगेन इट गॉट बिकेम अंडर डेवलप्ड और बहुत बुरी हालत में आ गया। जबकि एक टाइम था, ज्यादा टाइम पहले नहीं, 25-30 साल पहले, जब जिम्बाब्वे वॉज इक्विवेलेंट टू यूएसए। बट अपन ने तो जब से देखा है तब से अपन लोग ने जिम्बाब्वे को तो इतनी बुरी हालत में देखा है कि अपन सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी एक टाइम था। सोचो क्या हुआ, प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं करोगे यही होगा, और फाइनेंशियल पॉलिसी अगर आपने फ्रेम प्रॉपर नहीं की, ग्लोबली आपको इंपैक्ट आएगा सच दैट ग्लोबल करेंसी आपको खुद की करेंसी की जगह पे यूज करना पड़ेगा। अब क्या सीन है वहां पे, थिंग्स हैव स्टेबिलाइज्ड अ लॉट। सेम चीज श्रीलंका के साथ हुआ था, दे ऑल्सो हैड बिग इश्यूज। अब ऑब्वियसली हर एक कंट्री का अलग अलग इश्यूज है, मेरे को टाइम मिलेगा तो श्रीलंका पाकिस्तान ये लोग का क्या सिचुएशन चल रहा है आज की तारीख में, फाइनेंशियल हालत क्या है, ये भी मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बट फिलहाल के लिए तो अपना जो फ्लो है उसमें मैं कंटिन्यू करता हूं। चलो, सो एनीवेज, दो मैंने आप लोग के साथ इकोनॉमीज डिस्कस की, एक जापानीज इकोनॉमी जिसने फेस किया असेट बबल, बट ये असेट बबल क्यों फेस किया ये मुझे कोई बताएगा, ये सब क्यों हुआ। जिम्बाब्वे में और जापान में, या मैं तो बोलता हूं कोई भी कंट्री में, एक चीज कॉमन है इनके सब फाइनेंशियल इश्यूज के बीच। अगर आप लोग नोट करोगे तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ, यू कैन कॉल दिस एज हाइपर इन्फ्लेशन, यहां पे आ गया स्टैग्नेशन। क्यों हुआ ये जिम्बाब्वे में, ये क्यों हुआ, आई मीन हाइपर, ओके सर,
जिम्बाब्वे में तो सीधा करेंसी डिसकंटिन्यू हो गया, क्यों हुआ ऐसा? जापान एसेट बबल, क्यों हुआ ऐसा? इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से, यस ओके यस सर, श्रीलंका का जानना चाहेंगे, वुड लव टू नो, पाकिस्तान ऑल्सो ग्रेट, सब बताऊंगा मैं विद द फ्लो ऑफ द लेक्चर, अभी मेरा जो फ्लो है उसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन, अग्री, बट ये रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन क्यों लेना पड़ा? लेट्स गो बैक टू द रूट्स, फटाफट आ जाओ जापानीज बबल के ऊपर, क्या लग रहा है ये जापान ने क्या किया? मुझे बताओ जापान ने क्या किया? सर जापान ने 5% से 1% का किया, तुम लोग बोलो ये इम्प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन था, अग्री, पर ये 5% का 1% क्यों करना पड़ा वो मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5% का 1% क्यों करना पड़ा? कौन? आई एम वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू, इंटरेस्ट रेट 5% से 1% क्यों करना पड़ा? थोड़ा पीछे जाओ, समझेगा? हाँ करेक्ट प्रथमेश, करेक्ट, और थोड़ा सोचते जाओ, क्यों उनको 5% से 1% करना पड़ा? मैं बताता हूं, करेक्ट, एकदम, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, सर क्रूड ऑयल इंक्रीज हुआ प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से कहना इससे जापान में सब चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जापान में इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन आने की वजह से $10 की चीज $20 में एक्सपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से यूएसए ने बोला मैं तेरे पास से नहीं लेगा, मैं कहीं और से ले लेगा, विच क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। ये कॉस्ट को कम करने के लिए, ये जो कॉस्ट बढ़ा है, मतलब कहना इसे इन्फ्लेशन हुआ है, ये जो कॉस्ट बढ़ा है, जो इन्फ्लेशन हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए कहना इसे जापान ने ये किया। सो द रूट कॉज इफ यू ऑब्जर्व, इज इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को मैनेज करने के चक्कर में ये पूरा एसेट बबल हो गया जो 25 साल तक उनको पीछे ले गया। जिम्बाब्वे में क्यों, जिम्बाब्वे को क्या हुआ? जिम्बाब्वे ने अपना करेंसी डिसकंटिन्यू कर दिया, क्यों? ऐसा क्या हो गया कि जिम्बाब्वे को अपना करेंसी डिसकंटिन्यू करना पड़ा? क्योंकि उसके करेंसी वैल्यूलेस हो गया। क्यों उसका करेंसी वैल्यूलेस हो गया? ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, इतना ज्यादा नोट प्रिंटिंग कर दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ते गया और इन्फ्लेशन एक लेवल पे इतना आ गया कि आपके करेंसी का वैल्यू नहीं था और आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अगर आप लोग नोट करोगे ना, इन दोनों कहानियों के पीछे सबसे बड़ा जो रूट है वो रूट है ये इन्फ्लेशन। एंड लेट मी टेल यू, वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी कोई भी कंट्री जब फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है, वो फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने का जो मेन, उसके ऊपर का जो बेस होता है, दैट बेस इज ऑलवेज ऑलवेज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। कभी ये न्यूज़पेपर खोलोगे ना, तो मेजॉरिटी चीज आपको इसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही दिखाई देगी। मॉनिटरी पॉलिसी, तुम लोग ने सुना होगा ये वर्ड, RBI raises the repo rate by 0.25%, decreases the reverse repo rate by 0.5%. ये सब क्या है? इन्फ्लेशन को मैनेज करने का सिस्टम, क्योंकि उनको पता है अगर इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है, अगर इन्फ्लेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन? क्या आपको पता था आज तक कि ये इन्फ्लेशन, जिसको आपको डेफिनेशन कोई पूछता तो आप एक झटके में दे रहे, इन्फ्लेशन राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज, बस इतना बोल देते थे। क्या आपको पता है लोगों, कंट्रीज की इकोनॉमीज की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ये एक सिंपल सा वर्ड? करेक्ट, एग्जैक्टली, समझ रहे? तो अपने को ये चीज, ये लॉजिकली चीजें समझनी है कि कैसे चीजें वर्कअप होती है, कैसे चीजें कनेक्टेड है। चलो मैंने न्यूज़पेपर खोल लिया, मैं तो पढ़ने लग जाऊंगा, भूल गया मैं पढ़ा रहा हूं। चलो गाइस, समझ में आया इन्फ्लेशन कितना जरूरी है? अब सर ये ईटी वाला न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं जाता, जाएगा, थोड़ा सा मेरे 10-15 लेक्चर हो जाने दे, मैं तुम लोग को उस लेवल पे ले जाऊंगा ये सब मार्केट टर्म्स यूज करके, कि तुम लोग उस लेवल पे आ जाओगे कि
मजा आएगा पढ़ने में और डिटेल में समझते जाओगे चीजें। बाकी जो नहीं समझोगे वो अपन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, व्हाट्सएप कर देना, क्या बोलते हो, है ना। चल क्या आप लोगों को ये दोनों इकोनॉमीज का इश्यू समझ में आ गया? एवरीबॉडी यार प्लीज आंसर, सब लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे यार, ये थकेला मैच है क्या? चले यार ये मैच को बाहर निकाल रहे, सबका जवाब चाहिए मुझे। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया ये दोनों इकोनॉमीज क्यों बर्बाद हुए? बोलो, बर्बाद नहीं हुए बोलूंगा मैं कि क्यों इतना वो लोग बैकफुट पे आ गए, एक बैकफुट पे आ गए एक बर्बाद हो गया, क्या था रीजन, वो मुझे जवाब चाहिए हर एक आदमी से जो अभी मेरा ये यहाँ पे लाइव का लेक्चर अभी अटेंड कर रहा है। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। Everybody has to answer. Come on. What was the reason? Correct. Inflation. And मैं आपको बोल रहा हूं ये दो ही नहीं, मेरे पास कम से कम 20 economies के example है, 20 countries के example है जिनका ऐसा ही हाल हुआ only because of, and hence it is the most important thing for a financial planner to manage this. At a country level. US में कभी CNBC चैनल तो थोड़ा ज्यादा हो गया तुम लोगों में बोल रहा हूं, वो लोग का जब लेक्चर सुनोगे ना वो लोग वही बोलेंगे, इन्फ्लेशन हैज टच दिस मच, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हैज गॉन टू दिस, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू मैनेज दिस इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट की है ना नींद उड़ा देता है ये एक वर्ड, क्योंकि उन्होंने देखा है 20 इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय होते हुए जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ दिस। अगर मैं आज आपको आरबीआई गवर्नर बना दूं, आने वाले आधे घंटे के लिए मैक्स मैं आपको आरबीआई गवर्नर बना दूं और आपको बोलूं कि आपको इन्फ्लेशन को मैनेज करना है और उसका इंपैक्ट बताना है, कि आप लोग रेडी हो उस चीज के लिए, कि आप लोग रेडी हो उस चीज के लिए, मैं आप लोगों को खाली कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लॉजिकली जवाब देना है, एंड वो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आता है, कैसे कैसे इंपैक्ट आता है, वो सब आप बता पाओगे। बोलो आर यू रेडी फॉर इट, यस और नो, मुझे बताओ। है असलम पूछ रहे सर SFM का कोई डिप्लोमा कोर्स भी होता है क्या सर? प्रैक्टिकल भाई, तुझे SFM के साथ में इनडायरेक्टली वो प्रैक्टिकल जो तेरा डिप्लोमा कोर्स है वो भी करवा ही रहा हूं यहाँ पे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आप RBI गवर्नर के शूज में स्टेप इन करने के लिए रेडी हैं मित्रों? चलो तो आप बन गए हैं सब लोग RBI गवर्नर और सब लोग को आंसर देना है जो भी मैं पूछते जा रहा हूं। बट सर हमारे को तो फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है। तुम्हारा भाई है ना साथ में, काहे टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, सब चीज करवाता हूं मैं। आओ, आप हो अभी RBI गवर्नर, आप कौन हो? हाँ, आप हो RBI गवर्नर। आपको सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज का होता है? सच्ची सच्ची बताना आप लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज का है? बोलो चल। हाँ, आप लोगों को सबसे ज्यादा सर टेंशन है एक्चुअली, हाँ ये मैं रियल चीज बोल रहा हूं, तुम कभी भी कोई भी RBI गवर्नर का कमेंट्री पढ़ना या उसका कुछ चीज आइडिया देखो तुमको पता चलेगा, वो बताएगा भाई ये इन्फ्लेशन है जो अपना नींद उड़ा देता है। वेरी गुड। सो आप लोग को टेंशन है इन्फ्लेशन का, ओके okay. अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा आप लोगों को अगर आइडिया आया होगा, देन इन दैट केस कैन आई से इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कैन आई से कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाना, बेसिकली वो एक इन्फ्लेशन है, बराबर है। तो यूजुअली जब डिमांड भी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होने का चांसेस, देखो दो चीज है जब इन्फ्लेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है, एक के अगर डिमांड इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन हो सकता है इंक्रीज, बराबर। दूसरा से फॉर एग्जांपल यहां पे जिम्बाब्वे जैसा सिनारियो, जिम्बाब्वे में क्यों इन्फ्लेशन हुआ? कैन आई से वो लोग ने लिक्विडिटी डाल दिया मार्केट में, लिक्विडिटी इंक्रीज कर दिया मार्केट में, क्या क्या लिक्विडिटी इंक्रीज कर दिया मार्केट में, और इसकी वजह से क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया। सही बोल रहा हूं। ठीक है, जापान का एग्जांपल ले लो। जापान में क्यों हुआ? क्योंकि जापान ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब जब आप इंटरेस्ट रेट कम कर देते हो मतलब कहना है इसे लोन इजीली अवेलेबल हो रहा है मार्केट से, अगर लोन इजीली अवेलेबल हो रहा है मार्केट से मतलब कहना इसे आप लिक्विडिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो कहना इसे लिक्विडिटी आप अगर इंक्रीज कर दोगे मार्केट में तो इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा? तो आपको अभी क्या समझ में आया? अगर इन्फ्लेशन
और किसका कनेक्शन आपको समझ में आया है, इन्फ्लेशन और किसका कनेक्शन आपको समझ में आया? मैं आज जो अभी जो पढ़ा रहा हूं ना, वो नेक्स्ट लेवल की चीज है, मतलब वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं बताता है। वो अपन लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ही चीजें डिराइव करोगे। और आज जो बेस अपना सेट होगा ना, बाय गॉड की कसम मैं बोल रहा हूं तुम्हारे को, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब चैप्टर्स पानी कम चाय लगेगा। प्रॉब्लम पब्लिक के साथ ही होता है कि उनका ये बेस ही स्ट्रांग नहीं होता है, उनको ये सब चीजें पता ही नहीं होती है सीए बनने के बाद भी, और फिर बोलते हैं हमको फाइनेंस में करियर बनाने, कहां से बनाओगे, तुम्हारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है इन्फ्लेशन और ये सब चीजों का रिलेशन। वो आज मैं तुम लोग का बेस सेट करने वाला हूँ। थोड़ा हाईफाई है, चलेगा क्या? तुम लोग के पहले परमिशन ले लेता हूँ, वरना अगर तुम लोग को हाईफाई नहीं करना है तो मैं सिंपल से करता हूँ। हाईफाई है बट कॉन्सेप्ट और फंडामेंटली तुमको इतना स्ट्रांग बना देगा ना ये, भाई साहब मतलब ये पढ़ने का मन करेगा। इसमें कुछ चीजें देखकर आपका लगेगा अच्छा ऐसा, इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो आप लोग सोचना चालू कर दोगे। बट थोड़ा इसमें बोलते ना मजा आएगा, मतलब दिमाग एकदम यो होने वाला है। आर यू रेडी फॉर इट? If yes, तो ही मैं आगे बढ़ता हूं, अदरवाइज तुम बोलोगे तो जैसा तुम बोलो। अनुषा करकेरा ने कहा है इन्फ्लेशन इज लिंक्ड टू डिमांड एंड लिक्विडिटी, वेरी नाइस, समझ रहा है, प्रेमा बोल रही है, वेरी नाइस, ओके एवरीबॉडी। ध्रुवी त्रिपाठी सर, लिक्विडिटी इन्फ्लेशन से पूरा कनेक्टेड है, हायर द लिक्विडिटी हायर द इन्फ्लेशन, आरुषि खंडेलवाल, रूपल लिक्विडिटी, एक्सेलेंट, सुपर्ब, सही जवाब दे रहे सब लोग, चलो ग्रेट, सब लोग रेडी है उस चीज के लिए, तो चलो आप करते हैं कंटिन्यू। सो सुनो, तुम लोग ने एक चीज समझा क्या, इन्फ्लेशन किससे कनेक्टेड है? तुम लोग सब लोग ने जवाब दिया सर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी से कनेक्टेड है। मुझे अब एक दूसरे सवाल का जवाब दो, अगर मैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता हूं, एवरीबॉडी, अगर मैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता हूं तो इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा? चल इधर मैं लिखता हूं, इफ लिक्विडिटी आई इंक्रीज लिक्विडिटी आई इंक्रीज आई एम द गवर्नर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, गवर्नर ऑफ इंडिया आरबीआई, लिक्विडिटी अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या सही जवाब दिया है सब लोग ने, एक नंबर पब्लिक है। अगर मैं लिक्विडिटी कम करता हूं, डिक्रीज करता हूं, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या ना इसे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, एक नंबर। चलो डन, अब आप लोग आ जाओ, आप लोग हो आरबीआई के गवर्नर, ये रिलेशनशिप समझ में आया आपको? हम आपके है कौन? इन्फ्लेशन लिक्विडिटी को क्या पूछ रहे हैं? हम आपके है कौन? आप बढ़ोगे हम बढ़ेंगे, हम बढ़ोगे आप बढ़ोगे, हम घटेंगे आप घटेंगे, बराबर कि नहीं? चलो अब आप हो, आप कौन हो? आप हो आरबीआई के गवर्नर, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपको ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाओगे या लिक्विडिटी मार्केट में कम करोगे? सोच समझ के जवाब दो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपको इन्फ्लेशन को एज द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया कंट्रोल करना है, आपको लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट लाने की कोशिश करोगे? आरुषि सिंगल इज करेक्ट, अदर्स, प्रथमेश करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, लिक्विडिटी का क्या करोगे? परफेक्ट, आप बोल रहे हो, सब लोग सही जवाब दिया है सर, लिक्विडिटी अपने को कम करना पड़ेगा तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने क्या करना है? लिक्विडिटी को डिक्रीज करना है, क्यों? तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, आप आरबीआई के गवर्नर हो, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ओके ओके ओके। अब लिक्विडिटी अगर मेरे को मार्केट में रिड्यूस करना है तो बेसिकली सुनो, अच्छा अभी इधर आ जाओ, जापान के ऊपर आ जाओ, देखो मैं कैसे सब चीजें कनेक्ट करने वाला हूं ना, वो कौन सा एग्जाम्पल क्यों दिया है उसके पीछे मेरा कुछ विजन है, सब सोच समझ के कर रहा हूं मैं, अब वो मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं और कैसे आप लोग जवाब दोगे ये देखना मजा आएगा आप लोगों को। ये है जापान, जापान को चाहिए था कि उसका इन्फ्लेशन, उसको चाहिए था कि मार्केट में लोगों के पास क्या हो जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो उसने क्या किया आप मुझे बताओ? आपको बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूं,
अगर लिक्विडिटी आपको डिक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे? जापान ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करके मार्केट में लिक्विडिटी फेंक दी, सब लोग को इजीली लोन मिल गया, सब लोग को इजीली लोन मिल गया ना। यहां पे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से समझना। जब यहां पे लिक्विडिटी, जब यहां पे लिक्विडिटी उसने क्या कर दी पता है? बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी लिक्विडिटी? सबको लोन इजीली देकर। कैसे इजीली लोन मिल गया? इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज कर दिया। बट क्या उन्होंने सही किया था क्या? इसीलिए तो फाइनेंशियल पॉलिसी गड़बड़ हो गया। अपने को अब क्या करना चाहिए एज द गवर्नर, ये मैं आप लोगों को खाली पूछना चाहता हूं। फटाफट आप लोग सोच समझ के जवाब दो। मुझे इन्फ्लेशन को मैनेज करना है, मुझे इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, लिक्विडिटी को कम करना है, तो अब मैं इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए, वो आप लोगों को सोच समझ के जवाब देना है। जापान का ध्यान में रखो, जब जापान ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया, पब्लिक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लग गया, अनाप शनाप पैसा खर्चा करने लग गया, एंड इट बिकेम अ डिजास्टर। अपने को वो गलती ना करनी है। अब अपन क्या करेंगे ये आप लोगों को सोच समझ के दो मिनट में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू। कौन स्टार्टिंग? ओके, लेट मी चेक द आंसर्स, लेट मी चेक द आंसर्स। सब लोग के आंसर्स आ गए ऑलमोस्ट। सब लोग ने बोल दिया है दैट सर अगर लिक्विडिटी हमको कंट्रोल करना है, कम करना है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है उसको भी हम लोग को कंट्रोल करना है, तो हम इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? वाओ, एवरीबॉडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ये मुझे रेपो रिवर्स रेपो वो सब अभी नहीं चाहिए। तुम लोग हाई फाई वर्ड मत यूज करो, मुझे पता भी नहीं है रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है, मुझे जानना भी नहीं है। मैंने तुम्हारे को बोला इंटरेस्ट रेट। मार्केट में मैं अगर लोन लेने को जाऊंगा तो वो चीज लोन मुझे इजीली मिलेगा या मतलब महंगे में मिलेगा? महंगे में मिलेगा। इंटरेस्ट रेट को मैं एज आरबीआई गवर्नर बढ़ा दूंगा। ए समझू गुरु एवरीबॉडी, सब लोग का आंसर ये करेक्ट आया? सब लोग को ये चीज समझ में आया क्या? सब लोग थॉसिफ करेक्ट। मैं सब लोग का आंसर देख रहा हूं, कौन कौन नहीं दे रहा है मैं देख रहा हूं। सुपर, सब लोग ने एक ही आंसर दिया है दैट सर वी शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। सर वी शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, एकदम करेक्ट आंसर दिया है आप लोग सब लोग ने। अब इसकी वजह से क्या होगा पता है? लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसे टाइम पे लोन लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? लोन इजी हो गया मिलना, इजी भी डिफिकल्ट तो नहीं, बट लोन वांट और लोन डोंट वांट, सोच समझ के मुझे जवाब दो। लोन वांट और लोन डोंट वांट। चलो ग्रेट, तुम लोग बोल रहे हो कि सर हमारे को लोन नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए, लोन डोंट वॉन्ट सर, लोन नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप लोन नहीं लोगे? तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट, अभी सब कनेक्शन समझना, तुम लोग ही जाओगे जवाब दोगे। जब यस बोरोइंग कॉस्ट विल इंक्रीज ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट, वी डोंट वॉन्ट लोन, महंगा हो गया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका इंपैक्ट क्या आएगा पता है आपको मार्केट के ऊपर? ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा पता है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, पूछो क्यों। मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था जब जापान का मैं एग्जांपल दे रहा था कि मार्केट में कोई भी, जब कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदता है, लैंड बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो मेजॉरिटी कैन आई से लोन लेके खरीदता है। बात हुई थी अपनी, बोला था मैंने यस और नो? तो अगर वो मेजॉरिटी पूरा का पूरा लोन लेके लेने वाला है, अब तो आपने बोल दिया है कि वो लोन लेगा ही नहीं। आपने खुद ने बोल दिया सर हमारे को लोन चाहिए ही नहीं। तो अगर आप लोन लोगे ही नहीं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे क्या? द आंसर इज नो। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रियल एस्टेट का जो शेयर मार्केट है या रियल एस्टेट का ओवरऑल मार्केट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको मुझे जवाब देना है। कमान बोलो बोलो, चल चल। द प्राइजेस विल फॉल डाउन। मैं स्टॉक मार्केट के एंगल से बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को स्टॉक मार्केट के एंगल से सोचो। तो जितनी भी कंपनीज
जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज है, जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो डीएलएफ, ईएलएफ नाम सुना होगा आप लोग ने, सेनोरिटा नाम तो सुना होगा, डीएलएफ या और भी बहुत सारी रियल एस्टेट वाली कंपनीज है, उनका मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस डाउन हो जाएगा। इंपैक्ट सुनो, इंपैक्ट सुनो, रियल एस्टेट डाउन हो गया है। कहना है इसे रियल एस्टेट जब मुझे डेवलप करना है, देन इन दैट केस एट दैट पॉइंट इन टाइम सीमेंट एंड स्टील चाहिए। अब मुझे बताओ इसका इंपैक्ट सीमेंट एंड स्टील पे क्या होगा, इसका इंपैक्ट सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री पे क्या होगा, सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ये आपको मुझे बताना है। कौन एवरीबॉडी, जे बात कैन आई से सर सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री भी फॉल, कैन आई से इसका मतलब मेरे जो इंफ्रा कंपनीज है उनका भी मार्केट डाउन, पावर कंपनीज है, रियल एस्टेट ही नहीं है तो ये भी डाउन। आप बोलोगे सर पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा, नो, एक उसूल फाइनेंस का जिंदगी भर याद रखना, किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, हमेशा ये होना ही है। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है ना, किसी और को उसका फायदा हुआ है, अगर आपको फायदा हुआ है ना, किसी और को उसका नुकसान हुआ है, इतना याद रखना, हमेशा ये रूल जिंदगी भर, थंब रूल जिंदगी भर। ये कोई फाइनेंस का बोलते हैं ना आपके कोई मॉड्यूल की चीजों में ये सब चीज नहीं मिलने वाली जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब प्योर बेस सेटिंग है, फंडामेंटल सेटिंग है जो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। क्या आप लोग को ये चीज समझ में आई? अब आप लोगों को लग रहा होगा सर पूरा मार्केट तहस नहस हो जाएगा, द आंसर इज नो। अब मैं आप लोग को बताता हूं इसका इंपैक्ट दूसरों के ऊपर। अब सुनो, अब यहां पे आ जाता है अपना दूसरा इंडस्ट्री से, एक एग्जांपल लेते हैं फार्मा इंडस्ट्री का। आप मुझे बताओ क्या ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी? तो आपने बोला सर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि हम लोन नहीं लेंगे, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, इंफ्रा में इन्वेस्ट करने के लिए लोन चाहिए, वो हम लेना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट मार्केट का जो जो स्टॉक प्राइसेस है वो डाउन हो जाएगा। रियल एस्टेट डिपेंडेंट है सीमेंट एंड स्टील पे, या सीमेंट एंड स्टील डिपेंडेंट है रियल एस्टेट पे, तो उसका भी शेयर प्राइस डाउन, इंफ्रा पावर का भी शेयर प्राइस डाउन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा? क्या इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर? क्या आप दवाई खाना बंद कर दोगे? बोलो क्या आपको कोई तकलीफ हो गई इन टर्म्स ऑफ डिजीज और एनीथिंग? आप बंद कर दोगे? नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, चल भाई मैं दवाई नहीं खाऊंगा, क्या ऐसा होगा क्या? द आंसर इज नो। तो कहना इससे ये फार्मा का इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। तो कहना इससे ये स्टेडी रहेगा। अब होगा क्या, सुनो, रियल एस्टेट का मार्केट डाउन जा रहा है, सीमेंट एंड स्टील का डाउन जा रहा है, इंफ्रा का डाउन जा रहा है, पर फार्मा का वही लेवल पे है, तो आप यहां पे तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, बट एटलीस्ट जो सेम लेवल पे उस कंपनी पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, इन्वेस्टमेंट तो करोगे, आपके पास पैसा है, जिसको इन्वेस्ट करना है वो तो करेगा ही, तो वो यहां पे नहीं कर पा रहा है, तो कहना इसे वो फार्मा में इन्वेस्ट करना चालू कर देगा, उसके लिए चल स्टेडी तो ग्रोथ मिल रहा है। कहना इसे और भी लोग यहां पे इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, द मोर द पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर, कहना इसे फार्मा का स्टॉक अपने को भी लिफ्ट करा रहे थोड़ी सी, तो समझे क्या इंपैक्ट? तो आपको लग रहा था सब डाउन हो जाएगा, भाई यहां पे फार्मा बढ़ जाएगा। फार्मा मेडिसिन की वजह से नहीं बढ़ रहा है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से बढ़ रहा है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से। अब मुझे लग रहा है भाई ये सब कंपनीज में तो मैं नहीं डालूंगा, चल फार्मा में डालता हूं, स्टेडी तो है, सब लोग सोच रहे हैं फार्मा में डालता हूं स्टेडी तो है, भाई डिमांड बढ़ गया शेयर प्राइस बढ़ जाएगा उसका। और एक्चुअली ये सब चीज आप नोट करना, जब आरबीआई गवर्नर आएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तब इसका इंपैक्ट देखना। यूएसए लास्ट कितने महीनों से उनका इंटरेस्ट रेट खाली बढ़ रहा है, उनका मार्केट देखो, ओवरऑल ये सब चीजों का पूरा डाउन है। समझ में आ रहा है? दूसरा फार्मा हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री इंटरेस्ट रेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, चलो इसमें इन्वेस्ट करेगा, ये बढ़ना चालू हो जाएगा। एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी सुना है तुम लोग ने? एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या आप नहाना बंद कर दोगे, साबुन शैंपू ये सब यूज करना बंद कर दोगे? द आंसर इज नो। वो तो कहना इसे आपको लगेगा चल एफएमसीजी तो जितना स्टेडी है उतना स्टेडी चल ही रहा है, चल एफएमसीजी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटीसी कंपनी हो गया एफएमसीजी का, एचयूएल हो गया एफएमसीजी का, चल इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इनका डिमांड बढ़ेगा, इनका शेयर प्राइसेस बढ़ जाएगा, इनका शेयर प्राइसेस बढ़ जाएगा। इंपैक्ट समझ रहे हैं? इंपैक्ट समझ रहे हैं? अब इसका इंपैक्ट
इसके ऊपर समझो, डॉलर के ऊपर समझो, इसका इंपैक्ट डॉलर के ऊपर समझो। सुनो देखो, डॉलर का क्या इंपैक्ट आएगा इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरेस्ट रेट की वजह से। अब अगर आपका से फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है आपकी कंट्री में, ठीक है, पहले था $1 में 90 रुपीज, ठीक है, अब आ गया $1 = ₹100। तो आप मुझे बताओ, कैन आई से ये सब की वजह से, कैन आई से डॉलर का तो भाव बढ़ रहा है ना, डॉलर तो अप्रिशिएट हो रहा है। अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है तो एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जिसको बहुत फायदा होगा, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करता है। अब अगर मैं आईटी इंडस्ट्री हूं, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे को $1,000 मिलने वाला है, तो अब मेरे को $1,000 जो मिलेगा ना, पहले उसका ₹90 मिलता था मेरे को $1 का, अब ₹100 मिल रहा है, तो सीधी सी बात है मेरा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आईटी सेक्टर विल गो अप। समझे? अभी क्लियर एवरीबॉडी? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस कैसे सब चीजें कितनी कनेक्टेड है? और अब तुम लोग स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करना चालू करो, धूम मजा आ जाएगा तुम्हारे को। बता रहा हूं, समझे समझे समझे। वैसा और इंपैक्ट, क्रूड ऑयल और गोल्ड। अब क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है, अब अपना डॉलर का भाव बढ़ गया है, मतलब बेसिकली रुपी का वैल्यू कम हो गया है, तो अपने लिए इसका भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है, तो जब ये दोनों इंपोर्ट करने वाला है तो इन दोनों का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात है, ये लिंकेज है ना, कहीं कहीं नहीं मिलेगा तुम्हारे को दुनिया में, समझ रहे हो? बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सेट करना। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा सर आज फर्स्ट डे पे कितना हैवी पढ़ा दिया, या आप लोग को मजा आ रहा है, या आप लोग को लग रहा है और चीजें सर ऐसी सीखनी है, ये इंटरकनेक्शन समझना है, ये इंटरकनेक्शन समझोगे और फिर ये सब पढ़ोगे और फिर आपका SFM पढ़ोगे ना, नेक्स्ट लेवल पे मजा आएगा, मतलब पढ़ने में मजा आएगा, आपको लगेगा कि यस मुझे ये सब्जेक्ट करना है और सीखना है और इनडेप्थ जाना है और मुझे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, आज नहीं तो कल फाइनेंस की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। एक बंदी है यहाँ पे लेक्चर में बैठी है, जसलीन। जसलीन ने कल मुझे फोन किया कि सर कल मैं लेक्चर ज्वाइन कर रही हूँ, आ जाओ ना। बोला यस वेलकम। अरे उसको पूछा क्या जसलीन कितना आता है तेरे को स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट और इसके बारे में? बोली सर एक वर्ड भी नहीं आता है सर और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने बोला चल अच्छा है, लेक्चर के एक दिन पहले तूने, लेक्चर स्टार्ट होने के एक दिन पहले फोन किया है, बस एक ही चीज बोल सकता हूं, लेक्चर का जिस दिन एंड होगा उस दिन में मुझे फोन करके तेरा जवाब चाहिए, एंड मुझे पता है मैं जवाब तेरे से ही एक्सपेक्ट करूंगा, तू बोलेगी सर अब फाइनेंस में करियर बनाना है। तो ये एक इम्पैक्ट मुझे चाहिए आप लोग के दिलो दिमाग में आ जाए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दैट वी आर टूगेदर, एंड ये लिंकेज हर एक चीज का मैं करवाऊंगा, हर एक चीज का मैं लॉजिक बताऊंगा, वो कहीं पे नहीं मिलने वाला ये सब चीज, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी विल टेक दिस सब्जेक्ट टू दैट लेवल। ऑसम ऑसम ऑसम, ग्रेट ग्रेट, बस ये रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ, प्रिंस पूछ रहा है सर अगर रियल एस्टेट डाउन हो गया, सीमेंट डाउन हो गया, तो FMCG और फार्मा बढ़ेगा क्यों? वो तो स्टेडी रहेगा ना। अब सुन सुन एक बात सुन, तेरे पास प्रिंस, तेरे पास एक लाख रुपए है, गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तेरे पास एक लाख रुपए है, तेरे को इन्वेस्ट करना है, गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो तू कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेगा, रियल एस्टेट में या फार्मा में? तू बोलेगा सर रियल एस्टेट में तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये मार्केट तो रियल एस्टेट का तो सीमेंट स्टील इंफ्रा तो डाउन होने वाला है, तो मैं इसमें नहीं करूंगा। हाँ, तो तू तेरा पैसा किस में इन्वेस्ट करेगा? तो सर मैं तो है ना फार्मा कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा। जब तेरे जैसे और भी लोग फार्मा कंपनीज के शेयर्स खरीदते जाएंगे, तो कहना इसे फार्मा कंपनी के शेयर्स का बढ़ जाएगा प्राइस,
वो होगा। तो फार्मा कंपनीज का बिजनेस स्टैग्नेंट है, बट बिकॉज कोई डाउन हुआ है उसकी वजह से यहां पे फार्मा कंपनीज में ओवर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका डिमांड और उसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, वैसे उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा फार्मा और एफएमसीजी के ऊपर। समझा? सब ग्रेट ग्रेट, बस बस बस, यही पॉजिटिविटी सब लोग की तरफ से चाहिए। एंड अभी एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, कैसे सब चीज कनेक्टेड है यार, कैसे सब चीज कनेक्टेड है। अब देखो बॉन्ड्स, तुम लोग ने बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, इसके बारे में तो अपने को डिटेल में एक चैप्टर ही पढ़ना है पूरा बॉन्ड्स का। तो सुनो, अब बॉन्ड्स है तो अब यहां पे बॉन्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस मुस्कान तेरे क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं दो मिनट। अब मैं बॉन्ड्स की बात करता हूं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी का नाम लो, से रिलायंस ने बॉन्ड्स इशू किया था से इन द ईयर 2021, ठीक है, रिलायंस ने ये बॉन्ड्स इशू किया था एट द रेट से 8% पे बॉन्ड्स इशू किया था रिलायंस ने, तो तब वो टाइम पे बॉन्ड्स मतलब एफडी जैसा ही है, तो एफडी का रेट 7% चल रहा था, रिलायंस ने 8% पे बॉन्ड्स इशू किया एंड फिर बाद में पब्लिक ने खरीद लिया। अब सुनो, अब क्या हुआ, 2 साल बाद रिलायंस को और पैसा चाहिए, तो रिलायंस और बॉन्ड्स इशू करना चाहता है, बट कहना इसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो अब क्या होगा, आज से फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 चल रहा है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट से फॉर एग्जाम्पल आरबीआई गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो कहना इससे रिलायंस को अभी अगर बॉन्ड्स इशू करना है तो कहना इससे उसको 11% पे करना पड़ेगा, कहना इससे उसको 11% पे करना पड़ेगा। अब होगा क्या पता है, ये जो 8% वाला बॉन्ड जिसने भी लिया था वो बोलेगा यार अभी तो मार्केट में नया बॉन्ड आ रहा है 11% का, अगर मार्केट में 11% का बॉन्ड आ रहा है तो मैं ये वाला बॉन्ड क्यों रखूं, तो मार्केट में पब्लिक इसको सेल करना चालू कर देगा। अगर मार्केट में आपका बॉन्ड सेल हो रहा है, आप मुझे बताओ उसका वैल्यू बढ़ेगा या गिरेगा, सोच समझ के जवाब दो। रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया 2021 में फॉर 10 ईयर्स 8% के हिसाब से, वो टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था, अब और पैसा चाहिए, बॉन्ड्स इशू इसीलिए करते हैं ना ताकि आप बॉन्ड्स इशू करते हो आपको पैसा मिलेगा। रिलायंस 2025 में बोलता है मेरे को और बॉन्ड्स इशू करना है, मैं सामने पब्लिक को इंटरेस्ट दूंगा। उस दिन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11%, क्योंकि तुम लोग ने बोला आरबीआई गवर्नर हो तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट 11% के हिसाब से रिलायंस दे रहा है। अब हुआ क्या, पब्लिक जिसने 8% पे इन्वेस्ट किया था वो बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी तो यार मार्केट में ज्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट, चल मेरे को इसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंपैक्ट देना है, तो मैं सब मेरा जो ओरिजिनल था उसको बेच के कहना इसे मैं इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा, जैसे ही मैं इसमें इन्वेस्ट करना चालूंगा कहना इसे इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, सब लोग ये वाला बॉन्ड्स बेचना चालू कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बॉन्ड्स का वैल्यू, ये वाला जो बॉन्ड्स मैंने इशू किया था उसका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बट ऑब्वियस सी बात है इस बॉन्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं, कह रहे इसे बॉन्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो आप लोग देख रहे हो इंटरेस्ट रेट्स का और बॉन्ड्स के वैल्यू का एक इनवर्स रिलेशनशिप यहां पे एस्टैब्लिश हो गया है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग ने इतना बड़ा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया है जो लोग सीए बनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। पूछना आपके सीए का, आपके जहां पे आर्टिकलशिप कर रहे हो आपके प्रिंसिपल तो नहीं, बट चलो आपके सीनियर्स को जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा, बॉन्ड के वैल्यू पे जवाब ना दे पाए शायद वो, ये लॉजिकली आप लोग इंटरप्रिट कर पा रहे हो यार, और क्या चाहिए, मान गया तुम लोगों को, हैट्स ऑफ टू ईच वन ऑफ यू, हैट्स ऑफ। वाओ, व्हाट अ कनेक्शन, राइट, मजा आया। बस अब यहां पे मैं रोक रहा हूं, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे सर बस अब सर पड़ जाए उसके एक्सप्लोड हो जाए, उसके पहले रुक जाओ, यहां तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, मजा आया, बस इसी मोमेंटम को अब अपने को कंटिन्यू करना है। क्या बोलता है पब्लिक, है कि नहीं, ए समझो एवरीबॉडी। चलो अभी अगर मैं ये मुझे बताओ, कंफर्म करो सब लोगों को समझ में आया ये क्या क्या किया है। अब कुछ एक दो क्वेश्चन थे वो मैं देख लेता हूं। आफ्टर चेंज इन रेट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू शो द इंपैक्ट इन प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड्स। एक होता है कि अगर पब्लिक को पहले से ही लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, तो वो
जिस दिन गवर्नर बोलेगा उसके पहले ही उसका इम्पैक्ट लेके दे देगा वो। मतलब अभी क्या होता है पता है, से इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में बढ़ा फिर भी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आया, मतलब समझ जाना कि इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कुछ होशियार लोग ने प्रिडिक्ट करके ऑलरेडी ले लिया था। और ऐसा ही कुछ यूएस मार्केट के साथ हुआ था, पब्लिक ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि ये लोग रेट बढ़ाने वाले, इतना सारा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, वो लोग ने ऑलरेडी ये सब सेल कर दिया था और वो वाला शेयर खरीद लिया था। तो मार्केट है, स्मार्टली खेलना पड़ेगा, ये चीज को पहले से इम्पैक्ट दे के रख दो और अच्छा हो सकता है। और एक कोई क्वेश्चन था सर, क्रूड ऑयल और गोल्ड कॉस्ट इंक्रीज होगा तो इंपोर्ट करना कम कर देंगे क्या? नो, फिर अपन इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड, कितना डिमांड है, क्या हो रहा है। ये तो खाली अपन लोग एक इम्पैक्ट देख रहे हैं कि भाई ये बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या आता है, उसकी वजह से गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आता है, डॉलर पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो खाली अपन लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मुस्कान तेरा भी आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं, अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, क्या आप लोग एट योर लेवल जिसको खाली बेसिक पता है बट अब वो लॉजिक से चीजों को समझने जा रहा है, अगर मैं आप लोगों को पूछता हूं कि आप आरबीआई गवर्नर हो और मैं आप लोगों को वो पूरा ट्री बनाने को बोलता हूं तो क्या आप लोग मेरे साथ मिलकर बना पाओगे मित्रों? हां या ना? करेंगे स्टार्ट एवरीबॉडी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सब चीज लॉजिकली करवाऊंगा, हर एक सम करवा दूंगा, थ्योरी व्योरी सब कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आप लोग की तरफ से चाहिए कुछ डिसिप्लिन, बोलते ना एक मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे आप लोग की तरफ से चाहिए कुछ सैक्रिफाइसेस। मेरा जब कोई बैच स्टार्ट होता है ना तो मैं किसी चीज को छोड़ देता हूँ, कोई चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसको मैं छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक्चुअली है भी, तो मैं नेक्स्ट 50 डेज तक, जब तक मेरा ये बैच एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता, आई विल नॉट ईट आइसक्रीम। तो क्रेविंग आएगा बट आई विल नॉट ईट, बिकॉज ये मेरा एक मैनिफेस्टेशन है कि बैच को एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट करना है फिर खाएंगे ना आइसक्रीम जी भर के। बट तब तक एक एक अपने आप को बोलते ना, सी यू हैव योर माइंड, देर आर टू थिंग्स, आइदर योर माइंड विल कंट्रोल यू और यू विल कंट्रोल योर माइंड। ऐसा कुछ मैं करता हूं ना तो मुझे लगता है आई एम कंट्रोलिंग माई माइंड एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ना, वो उनका माइंड उनको इतना कंट्रोल करना चालू कर देता है दैट यू गेट लॉस्ट समवेयर एंड दिस इज वॉट आई डोंट वॉन्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मुझे चाहिए मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग हो कि मुझे जो चीज नहीं करनी है वो मैं नहीं करूंगा, मुझे जो चीज करनी है वो मैं करूंगा, मुझे आज मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेरा से नेटफ्लिक्स और फ्रेंड्स लोग के साथ चैट इंस्टाग्राम नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। मैंने विल पावर इतना अपना स्ट्रांग बना दिया। कैसे बनाया? ये सैक्रिफाइसेस करके, ये अपने आप के कंट्रोल मैकेनिजम्स को स्ट्रांग करके। आने वाले 50 दिन आई विल नॉट टच माय आइसक्रीम फॉर श्योर। ये क्या किया मैंने, अपने आप को एक मैनिफेस्टेशन दिया दैट यस एक सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा और फिर जो चीज मुझे चाहिए वो मैं लूंगा, बट वो 50 डेज के लिए अपने आप को मैंने कंट्रोल भी किया। दैट्स हाउ इट शुड बी। Sacrifices, making your willpower strong is what is going to end of the day make you successful. ऐसा नहीं है पूरा छोड़ दिया, कंटिन्यू करूंगा मैं, बट एक 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 डिसिप्लिन से, एक बैच कंप्लीट करके, कुछ हक से अचीव करने के बाद डेफिनेटली द वर्ल्ड इज माइन, आई नो दैट, आई डू दैट। आप लोग भी पढ़ रहे हो, नथिंग बेटर देन दिस टाइम टू टेक अ मैनिफेस्टेशन कॉल। आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके बताना व्हाट आर यू क्विटिंग और आप क्या अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। एंड सीरियसली बोल रहा हूं, ये त्याग करना, ये सैक्रिफाइस करना, विल पावर को बढ़ाना, डिसिप्लिन रखना, 50 डेज के बाद आपको खुद को इंपैक्ट लगेगा कि कैसे यू नो पॉजिटिव थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लो, जब तक उसने ये चीजें नहीं की होगी ना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। आपको आई एम श्योर चाहिए वो सक्सेस, स्टार्ट कर दो वो चीजें जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं। उसमें से एक चीज जो मैंने आज आपको बताई है, कीपिंग योर विल पावर स्ट्रॉन्ग फॉर व्हाट यू वांट एंड फॉर दैट व्हाट आर यू रेडी टू लूज, दैट्स इट व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन यू। आइए ग्रेट, चलो सो अब मैं आपको आरबीआई गवर्नर कोमल तेरा आंसर मैं अभी यहां पे देते जाऊंगा, डोंट वरी। प्रेमा योर आंसर विल ऑल्सो कम नाउ। तुम लोग अगर आरबीआई गवर्नर हो, आप लोगों को मुझे इंपैक्ट बताते जाना है, आप लोगों को मुझे इंपैक्ट बताते जाना है। मुझे बोलो क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले अगर यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
बट आई नीड टू नाउ कंट्रोल इट। तो आपका इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कनेक्शन है लिक्विडिटी के साथ। आप लिक्विडिटी बढ़ाना चाहोगे या कम करना चाहोगे? ए, मैं क्यों लिख रहा हूं रे, तुम लोग बोलोगे ना। आप लिक्विडिटी बढ़ाना चाहोगे या कम करना चाहोगे? क्या बात है, क्या बात है, पब्लिक के आंसर आ रहे हैं। पब्लिक लॉजिक के साथ मैजिक करना चालू कर दिया है। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। आपने सब लोग में जवाब देना चालू कर दिया है कि सर लिक्विडिटी को हमको डिक्रीज करना है, लिक्विडिटी को डिक्रीज करना है तो हमको रेट्स को इंक्रीज करना है ताकि लोग लोन ना ले पाए, लोन ना ले पाए तो मेरा रियल एस्टेट, मेरा सीमेंट, मेरा स्टील, मेरा इंफ्रा, मेरा पावर ऑटोमेटिकली सर ये सारा का सारा जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगा। बट इसका स्पाइरलिंग इंपैक्ट मेरा आईटी कंपनी, मेरा फार्मा, मेरा और कौन सा कंपनी था भाई, फार्मा और हाँ FMCG, ये सारा का सारा मेरा जो कंपनीज है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। मेरा जो क्रूड ऑयल है, मेरा जो क्रूड ऑयल है, मेरा जो गोल्ड है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मेरा जो डॉलर है उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। मेरा जो डॉलर है उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा बॉन्ड का वैल्यू है, अगर यहां पे ये ऐसा होता है, वेन एवर द रेट्स इंक्रीज द बॉन्ड वैल्यू विच इज ट्रेडिंग इन द मार्केट डिक्रीजेस। अब तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है पूछो, या आप लोग मुझे बता दो क्या लॉजिक के साथ मैजिक मजा आ रहा है कि नहीं। डू डेफिनेटली शेयर योर फीडबैक्स। मैंने आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, डेफिनेटली शेयर करना कैसा लग रहा है एंड हाउ इट इज गोइंग। या फर्स्ट डे पे थोड़ा ज्यादा हो गया, या आप लोगों को लग रहा है सर सही जा रहे, स्मूथ जा रहे, बेस्ट जा रहे, ऑसम, एवरीबॉडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड बस यही चाहिए था मुझे। कुछ क्वेश्चंस है मैं देख लेता हूं अगर आपके, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो बिंदास, डेफिनेटली। हाँ, एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइस डिक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, यस समीक्षा, सुपर्ब यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, आप लोग के फ्रेंड्स लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो वो लोग ने बोला था सर हम लोग कर से करेंगे, नो प्रॉब्लम्स, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एज वेल। एंड आई होप बेसिक से ही चीजें क्लियर हो रही होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस, मजा आ गया। डन, चलो। सो आई थिंक ये बेसिक क्लियर हो गया है अपने को फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में मैंने। अच्छा, आप लोगों के कुछ डाउट्स हो अभी हो तो अभी पूछ लो। आप लोगों को लग रहा है सर अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, बट आप रिवाइज कर रहे होगे तो अब आपको कुछ दिमाग में आया तो आप लोग कल पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच रोहन। चलो, सो आज का एक फटाफट मैं क्विक समराइज कर लेता हूं। अपन लोग ने क्या क्या सीखा, अपन लोग ने पहले समझा स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन क्या है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है ये 9 के 9 पॉइंट के ऊपर मैं खरा उतरूंगा, ये मेरी गारंटी है। Yes, you will also get backup of this live class. My pleasure, Lakshmi. But please be regular. ठीक है, backup मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा attend किया बाद में backup पे, don't do that. चलो, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 में अपन लोग ने पूरा subject को divide किया है. Medium, difficult, easy, very easy. Tomorrow we will be starting with our first topic and that is this mutual funds. इसे अपन लोग start करने वाले हैं. Okay, उसके बाद में paper pattern का मैंने पूरा quick discussion किया तुम लोग के साथ. अपना अप्रोच जो होने वाला है वो मैंने देख लिया, पास्ट पेपर एनालिसिस, स्टडी मेंटर लेंगे, प्रीव्यू है आप लोग की बुक में, स्टूडेंट नोट्स बनाने वाले हैं आप और मैं मिलकर मस्त वाला जो अपने एग्जाम के लिए यूज करेंगे, थ्योरी और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मिक्स करके मॉड्यूल, पास्ट पेपर, ICAI का, RTP, ये सब को अपन कनेक्ट कर चुके हैं अपने पूरे नोट्स में। तो ये अपन लोग जितना भी है सब सॉल्व करने वाले हैं। ग्रेट, एग्जाम टाइम पे जैसा आई टोल्ड यू रिवीजन लेक्चर्स प्लस मेरे मैराथन रहेगा, सो इट विल बी ग्रेट थिंग फॉर यू। टेस्ट अपन लेंगे टाइम टू टाइम सो दैट वी आर देयर, फॉर्मूलास को डिराइव करेंगे, वो अभी आप लोग को एक आइडिया आ गया होगा कैसे मैं चीजों को एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पे कनेक्ट करके डिराइव करता हूं। एंड थियोरी भी अपन लोग हर एक चैप्टर में अपने को ध्यान से करना है। कैसा लगा सेशन, डू शेयर योर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स ऑन दिस नंबर। बाकी कोई डाउट वाउट हो तो भी बोल देना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के चैनल्स का लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही दूंगा फॉर श्योर।
एंड अदर देन दैट माई टीम विल ऑल्सो शेयर इट विद यू. चलो, हाउ टू प्रिडिक्ट देयर विल बी चेंज इन रेट. रोहन को आज एक ही दिन में राकेश झुंझुनवाला बन जाना है, मतलब ऐसा ऐसा मतलब रोहन भाई एक ही दिन में उसको प्रिडिक्शन भी समझ लेना है, उसको समझ लेना है स्टॉक मार्केट में भी क्या इंपैक्ट आएगा. अब ये सब चीजों के साथ और भी चीजें इन्वॉल्व होती है, तब मार्केट आपको पता चलता है, तब आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे एंड तब आप यू नो विल बी एबल टू डू गुड इन द मार्केट. समझ रहे हैं? इसके लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई मुझे टिप देता है ना, मैं टिप पे इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं मेरा फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं. और वही फंडामेंटल एनालिसिस का जो बेस है वो आज मैंने सेट किया है. अब इसके ऊपर अपन और ग्रो करते जाएंगे, बिल्डअप करते जाएंगे, समझते जाएंगे चीजें और फिर कैसे इन्वेस्ट करना है, देन तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस विल टीच यू एवरीथिंग. थैंक यू सो मच रूपल. सर, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा कुछ सेक्टर्स का 100%, उसके ऊपर भी क्या इंपैक्ट आएगा वो भी आपको देखना पड़ेगा. करेक्ट. अभी आप लोग ने अगर एक न्यूज सुनी होगी कुछ दिन पहले की, कुछ महीनों पहले, किसे फॉर एग्जांपल गो एयर सुना है, फर्स्ट गो एयर ही था ना कंपनी का नाम, या गो फर्स्ट कंपनी इज बैंकक्रप्ट, उसने बोल दिया कि नाउ वी डू नॉट हैव एनीथिंग, वी आर क्लोजिंग द कंपनी. उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? गो एयर या गो फर्स्ट के जितने भी बैंक्स है उसके ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा कि भाई इतने सारे लोगों ने इसको लोन दिया है, अब ये जो लोन दिया है उसका क्या, वो तो अभी पैसा मिलेगा ही नहीं, इसने तो हाथ खड़े कर दिया वो लोन का, वो जो बैंक है उसका स्टॉक मार्केट प्राइस कम हो जाएगा. जिस दिन ये नीरव मोदी और वो स्कैम आया था तो पंजाब नेशनल बैंक का आपको शेयर्स देखना चाहिए जुप जुप जुप. अब ये सब चीजें इंपैक्ट देखना चालू करो, ग्लोबल न्यूज ग्लोबली अपना दिमाग कान खुला रखो, आंख कान दिमाग खुला रखो, पता चलेगा आपको कैसे चीजें मूव करती है. बता रहा हूं अनुषा, वील अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और भी अच्छा खुल गई. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो ये सब चीजें भी देखो गुड. अब आप लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटीज आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द टाइम टू कम. एंड ऑब्वियसली ये जो चीजें बताई है उसमें भी बहुत और इंटरकनेक्शन है, वो अपन लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे एंड आई एम श्योर वील विल गेट अ गुड ग्रिप ओवर दिस सब्जेक्ट. करेक्ट. ये देखो सैफ बोल रहा है कि सर एक तो जो गो एयर के बाद जो शेयर प्राइस है बैंक का, जिसने गो एयर को लोन दिया उसका प्राइस कम हो जाएगा, और इंडिगो एयरलाइंस क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाएगा वो प्राइस बढ़ गया. क्या बात है, गुड गुड एनालिसिस, वेरी गुड जसलीन एंड प्रेमा. चलो दैट्स ग्रेट टू नो प्रेरणा एंड एवरीबॉडी. आई थिंक अब टाइम फॉर मी टू से अस्ता ला विस्ता. मेरा वो मैनिफेस्टेशन वाला चीज याद रखना, 50 days विल पावर. Let's do it. क्या बोलता है पब्लिक? Let's have our control over our mind, not our mind controlling us. How increase in interest? तो अनुषा, there is a concept in forex called as purchasing power parity and all of that. वहां पे you will be able to connect this. ग्रेट. चलो आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कनेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट. यस, टुमारो वी विल मीट एट 7 AM टू 10 AM टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. एंड कल स्टार्ट करेंगे अपन अपना पहला चैप्टर, फटाफट रिवाइज कर लेंगे पहले इसको और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय. इन केस एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन, जिनका बाकी रह गया आस्क देम टू जॉइन फ्रॉम टुमारो. ये वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, सो दे कैन वॉच इट देयर. एंड टुमारो से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्रेश थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी. थैंक यू सो मच निराली, बाय बाय, टेक केयर, बाय. यस, जो भी आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं. ओ या, थैंक यू बिडू, बाय बाय.